बेरोजगारी को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार दरअसल मुश्किल में है। राजस्थान के बेरोजगार एकजुट होकर कल यूपी रवाना होने वाले थे। यूपी जाकर वो अपना दर्द सीधे प्रियंका गांधी को सुनाने वाले थे, लेकिन तभी गहलोत सरकार ने 2 दिन का वक्त और मांग लिया। कोई जूता पॉलिश करता दिखा, कोई सब्जी बेचता नजर आया, किसी ने चाय बेचनी शुरू की, कोई फूल माला बेचता दिखा, किसी ने समोसा बेचा, किसी ने मूंगफली। राजस्थान में 130 दिनों से ज्यादा तक जब बेरोजगारों को नौकरी देने का समझौता करके भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। पिछले हफ्ते जयपुर में धरना देते बेरोजगारों ने अपनी बेरोजगारी की मंडी लगा दी। दे दी चुनौती सरकार को। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने कहानी आपको दिखाई। बिकते हैं बेरोजगार, खरीदोगे क्या? शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों के जगह पर आकर लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, वहां पर बेरोजगार बाजार में बैठे हैं और इस तरह से हाट लगाए बैठे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर सब्जी मंडी, फूल मंडी, फल मंडी, खिलौना से लेकर हर चीज का बाजार लगा हुआ है। राजस्थान में बेरोजगारों ने यह सांकेतिक बाजार इसीलिए लगाया क्योंकि सरकार ने लिखित में नौकरी देने का वादा किया और वादे से मुकर गए। गहलोत सरकार ने आज से 3 साल पहले 31,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं इस भर्ती को और वही पद 31,000 है और अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है। तो 27 लाख अभ्यर्थियों की संख्या और पद 31,000, 3 साल में साला दर्पण पर 90,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब आपको हैरानी इस बात की होगी कि जिस प्रदेश में परीक्षा कोई भी पारदर्शी तरीके से सरकार नहीं करा पा रही, जहां 1 लाख पद खाली होकर भी रोजगार देकर भरे नहीं जा रहे, उन छात्रों को महीनों सड़क पर प्रदर्शन करा के सरकार तब जागती है जब यूपी के चुनाव में राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस की पोल खोलने जाने की तैयारी कर लेते हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 24 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली उत्तर प्रदेश में, वहां कूच करेंगे, हजारों की संख्या में कूच करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 24 नवंबर को जब यही बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर सीधे कांग्रेस की रैलियों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की रोजगार के मुद्दे पर नाकामी गिनाते, तो कांग्रेस किस मुंह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाती? अपने पर आई तो राजस्थान में सरकार सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार दानिश अबरार बेरोजगारों को जाकर फिर से भरोसा देने लगे। बेरोजगार महासंघ के लोगों ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया, वरना वो यूपी जाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हाल बताएंगे। कलम 10 बजे निकलेंगे उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ठीक है, आप आ गए, धन्यवाद। आप सलाहकार हो, सीएम साहब तक बात पूछा, इसलिए आप तक बात पूछा रहे। मैंने तो खपन मान लिया, मेरे को उत्तर प्रदेश से मेरी लाश आए, हम तो मर के आएंगे वहाँ से, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। जो 5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पिछले दिनों में एक बार न सरकार ने मिलने के लिए बुलाया, न कोई मिलने आया। अपनी चुनावी राजनीति की चिंता में राजस्थान में सरकार तुरंत अब दौड़ पड़ी। क्या समाधान भी निकलेगा? शरद कुमार, जयपुर आज तक।